नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले कुछ समय से एक सवाल बार बार हर वीडियो पर देखने को मिल रहा है कि गुरुजी कब दिलवाने वाले हो फ्री के लैपटॉप और टैबलेट, जो कि योजना है राजस्थान सरकार की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की योजना है। यहाँ पर फ्री टैबलेट और यहाँ पर एक तरीके से कहूं लैपटॉप दिए जाते हैं 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, जिनकी 75% से ऊपर रहती है। लेकिन यहां पर सवाल खड़े हो गए सरकार पर, क्योंकि 2019 से मिले नहीं है, पिछले 5 साल से जब आपके पास यहां पर आप इस योजना को चालू नहीं कर पाए हैं, कहां अटका पड़ा है मामला, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर सरकार मैसेज बोर्ड में मामला अटका पड़ा है, ध्यान रखें। यहां मतलब कि किसी विद्यार्थी की गलती नहीं है, या फिर किसी, मैं कहूं कि बोर्ड के भी अधिकारियों की गलती नहीं है। यहां पर अटका पड़ा है मामला कि बस एक सामंजस्य बन नहीं रहा है दोनों के बीच में, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसके बारे में, दोनों के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बार बार सवाल आता है कि लैपटॉप कब तक मिलेंगे। देखो, आज बहुत से लोगों को मैं यहां पर बताने वाला हूं कि एक दूसरी चीज और बताऊंगा कि बहुत से लोग क्या है कि कंफ्यूज होते हैं सोशल मीडिया पर जो चल रही हो अफवाह को लेकर। देखो, मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं। मुझे काफी लोग बुरा भला भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कह लीजिए, लेकिन मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, जितनी बातें होती है सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर फिर भी गलती मेरी लगे तो मुझे आप कमेंट कर देंगे, ध्यान रखें, ठीक है। 2019 से ठंडे बस्ते में योजना है, क्योंकि पिछले 2019 के बाद से यहां पर मान के चलिए लैपटॉप और टैबलेट दिए नहीं गए हैं 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, 75% से ऊपर जिनको रहता है उनको मिलता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी पात्रता को लेकर। प्रक्रिया क्या रहती है, मिलता किस हिसाब से है? पहले एक राजस्थान की लिस्ट बनती है पूरे राजस्थान के, ध्यान रखें, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद में जिले वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, फिर जिले वाइज मेरिट लिस्ट बनने के बाद में उनको दिया जाता है, ध्यान रखें, टैबलेट और लैपटॉप, ध्यान रखें, दोनों में से कोई भी चीज एक दे दी जाती है। यहां पर काफी समय से कहा जा रहा था, अब 2 दिन हो गए, लगातार 2 दिन तक न्यूज में देखने को मिल रही है लैपटॉप से रिलेटेड न्यूज। मुझे लगा कि अब वीडियो बनाना चाहिए, अब विद्यार्थियों को आवश्यकता है कि क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में, वो चीजें आपको जानने की आवश्यकता है कि एक्चुअली में स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के पिताजी, मैं कहूं परिवार वाले जो लोग हैं, जो भी है, वो बोर्ड पहुंच रहे हैं कि भैया हमें लैपटॉप नहीं मिला, हमें टैबलेट नहीं मिला, लेकिन मामला तो अभी तक अटका ही पड़ा, देना शुरू ही नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया है ना, यहाँ पे ये जो वेबसाइट वाले विद्यार्थी हैं, बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब चैनल बना रखा है, जिन्होंने यूट्यूब चैनल में, मैं भी शामिल हूं, लेकिन मेरी गलतियां रहे तो आप मुझे भी बोल सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक योजना का नोटिस तक नहीं दिखाया और 50-50 वीडियो बना दिए, 50-50 वेबसाइट पर वो डाल दिए, मतलब नोटिस डाल दिया कि मिल रहे हैं, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, ये करेंगे, अरे भैया अभी बोर्ड में अटका पड़ा है मामला, मिलेगा कहां से? सारी चीजें समझो, विद्यार्थियों को बार बार कहता हूं कि कम से कम अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी का वीडियो आप देख रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में ध्यान रखें कि उसने पहले भी अच्छे वीडियो डाले हैं तो भी देखा करें, नहीं तो ध्यान रखें, देखने की आवश्यकता नहीं है, समय खराब मत करें। मेरा भी वीडियो आपको ठीक लगे तो ही देखा करें, ठीक है, आपसे रिलेटेड जानकारी हो तो ही। मैं हमेशा कहता हूं, टेलीग्राम पर मैं बोलता हूं आपसे रिलेटेड, मैं तो 10 दिन में मान लो 2 वीडियो डाल रहा हूं, 3 वीडियो डाल रहा हूं, यही डाल रहा हूं, रिलेटेड है तो ही देखो ना, बाकी को क्यों देखना है, ध्यान रखें। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, सोशल मीडिया की उपज है कि भाई आज मिल रहा है कल मिल रहा है, उसकी वजह से बहुत से परिवार वाले हैं जो परेशान हो रहे हैं और पहुंच रहे हैं जयपुर तक, है ध्यान रखें, बोर्ड पहुंच रहे हैं, तो ये गलतियां हैं। सोशल मीडिया को थोड़ा सा आप सही तरीके से चलाएंगे, जो भी आप बाकी लोग भी देख रहे हो तो उनको भी मैं ये कहूंगा। लेकिन मामले की बात करते हैं कि मिलेगा कब, ना इसके बारे में हम बात करते हैं, अटका कहां पड़ा है मामला, इसके बारे में हम बात करें। एक्चुअली क्या है कि भैया 2019 से मिले नहीं है तो यहां पर 1,20,000 के आसपास संख्या हो गई है विद्यार्थियों की, 1,20,000, ना ये ध्यान रखना, 1,20,000 संख्या हो गई है, इतने लैपटॉप दिए जाने हैं। अब ये ध्यान रखिए, 1,20,000 लैपटॉप टैबलेट जब दिए जाएंगे, एक की कीमत निर्धारित की गई है 23,900 रुपए। अब 23,000 को 900 से गुणा कीजिए भैया, 23,900 को गुणा कीजिए 1,20,000 से, तो ध्यान रखें यहां पर बोर्ड ने जो एस्टिमेट दिया है 288 करोड़, ये ध्यान रखिए 288 करोड़ का बजट यहां पर एक तरीके से इन्होंने तैयार कर दिया, भाई इतना रुपए का खर्चा आने वाला है। अब सरकार का कहना है कि भैया ये जो बोर्ड ने जो एस्टिमेट बना के दिया है, सरकार का कहना है कि बोर्ड ही देवे पैसे, ये पैसे बोर्ड ही देना चाहिए, बाकी सरकार नहीं देने वाली, ये ध्यान रखिए। इसके बारे में बात है, शिक्षा निदेशालय जो है वो बार बार पैसे मांगता है बोर्ड से, ध्यान रखिए कि हमें टेंडर भी जारी करने, ये करने, बोर्ड कहता है भैया हम लोग तो पूरे साल में 240 करोड़ कमाते हैं, पूरे साल में 240 करोड़ कमाते हैं हम लोग, तो
आपको एक ही योजना के 288 करोड़ कहां से दे दें, और भी बहुत सी चीजें जहां पर हमें पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये तो सरकार की योजना है, सरकार ही 288 करोड़ भरनी चाहिए। यहां पे अटका पड़ा है मामला, यहां पे फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। ध्यान रखें जिस कंपनी को टेंडर दिया जाना है, ध्यान रखें वहां पे एक तरीके से कहूं 1 करोड़ वहां पे दे दिया गया है, उनको 1 करोड़ रुपए दे दिया गया है कि आप एक तरीके से शुरुआत जो हम कहते हैं ना कि भाई लीजिए आप, आपको दिया जाता है टेंडर और आप आने वाले समय इसको लेकर काम करेंगे। लेकिन कंपनी कहती है कि भैया अब मेरे को पैसे दे दो, आपको हम सारी चीजें अवेलेबल करवा देंगे समय से, है ना, ध्यान रखें काम आगे शुरू किया जाए इन चीजों को लेकर। लेकिन ये पैसा कंपनी को दिया नहीं गया है, राजस्थान सरकार देने के मूड में नहीं है, बोर्ड के पास पैसा नहीं है, निदेशालय यहां से मांगता है। तो ये सरकार वैसे बोर्ड कहूं, बोर्ड निदेशालय वैसे सरकार कहूं, यहां पे मामला अटका पड़ा है। परेशान कौन हो रहा है? आम विद्यार्थी, ध्यान रखें जो इसके लिए पात्र होने वाले हैं। अब 2019 से जो चीजें चली आ रही हैं, 2019 के विद्यार्थियों की बात करूं तो अब तक उनको पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ध्यान रखें यानी कि ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो गया, लेकिन जो चीज उनको फर्स्ट ईयर में मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिली है। तो ध्यान रखें विद्यार्थी के ऊपर क्या चीजें बीत रही होंगी। यहां पर मोदी मोदी नारे लगाने से या फिर क्या कहूं गहलोत गहलोत हमारा गहलोत नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान रखें यहां पर चीजें समझनी पड़ेंगी। हक आपका यहां पर छिन रहा है भैया, आपका हक छीन रहा है, जो कि आपका हक है आपने अच्छे तरीके से मेधावी, ये ध्यान रखे यहां पे क्या लिखा होता है मेधावी, मेधावी विद्यार्थियों के लिए। मेधावी किसके लिए कहा जाता है भैया? वे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत मेहनत की है पढ़ाई के अच्छे तरीके से, उनको उनका हक देने की बात कही है तो यहां पर मिल नहीं रहा है। लेकिन अब सरकार का चुनाव आ रहा है तो फ्री में मोबाइल भी बांट दिया जा रहा है, घर पे राशन भी पहुंच रहा है, सारी चीजें पहुंच रही है, लेकिन सरकार को ये 288 करोड़ देने में दिक्कत आ रही है भैया। तो ध्यान रखें मैं कहता हूं ये जो विद्यार्थी है 1,20,000 विद्यार्थी है भैया, आपका हक छिन रहा है, आपको जवाब उठाना पड़ेगा, सवाल उठाने पड़ेंगे। ध्यान रखें आपका हक यहां पर मिलना चाहिए। थोड़े समय में इसको लेकर अगर कोई फैसला होता है तो ध्यान रखें मुझे लगता नहीं है कि भले हो जाए, अगर 1-2 दिन में कोई फैसला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिलने चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आपको मिले, मैंने लगभग इस पे 5-7 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए भी है और मैं चाहता हूं भी आपको मिलना चाहिए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, उसको लेकर भी बहुत सी चीजें बताई हुई है। आज जनरली एक वीडियो मैंने अपलोड किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। मेरे पास बहुत से कॉल विद्यार्थी करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, क्योंकि मैं तो जवाब देता हूं ना इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर सवाल हम देते हैं तो एक ही चीज सवाल लिखे उस वेबसाइट वाले ने डाल दिया, उस यूट्यूब वाले ने डाल रखा है। मैं एक ही सवाल करता हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्या किसी के पास में? लेकिन वहां पर सवाल करके उनका खत्म हो जाता है कि नहीं वैसा तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मिलेगा, कब मिलेगा? अरे स्थिति तो समझो, ये चीजें कभी क्लियर नहीं हुई है। देखो एक व्हाट्सएप का यहाँ पर एक ग्रुप है किसी का, मतलब कि डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है, वहां से अपडेट निकल के आई, वहां पे ये कहा गया कि हमारे ऊपर इतना भार पड़ता है और हमारे पास फिर से भार देने की तैयारी हो रही है। हम लोगों को तो बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है यहाँ पर सरकार की तरफ से, जितनी भी योजनाएं होती है, क्या बोर्ड ही सारी चीजें उठाएगा क्या? हमें तो बहुत से काम करने होते हैं बोर्ड से रिलेटेड भी जो चीजें हैं, तो वो चीजें हम आयोजित नहीं कर पाएंगे जो आप इस योजना को लेकर देने वाले हैं, बोर्ड ने क्लियरली मना कर दिया। तो ध्यान रहे अभी तक इस पर, ये ध्यान रखे मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं 8 अक्टूबर की बात यहां पर हो रही है, 8 अक्टूबर तक कोई भी नोटिस नहीं है, सुबह का वीडियो मैं बना रहा हूं ध्यान रखे। इसके बाद में अगर आचार संहिता से पहले कोई नोटिस आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जो भी चीजें होंगी आपको बता दी जाएगी किस तरीके से मिलने वाला है, कहां मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है कैसा भी कब मिलेगा। जाने के तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो चीजें थी मैंने बता दी है भैया, अभी यह स्थिति है। अब आपका हक छिन रहा है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, ये ध्यान रखें। ट्विटर कैंपेन हम चला सकते हैं तो कोशिश करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट यहाँ पे कीजिए, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं क्या? तो ये चीजें आप जैसे कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा कमेंट करेंगे ध्यान रखें, फिर उसके बारे में एक्शन लेने वाला हूं। ध्यान रखें जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपका कोई सुझाव है तो जरूर आप आमंत्रित, आपके सुझाव यहां पर आमंत्रित, अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव लिख देंगे, क्या गलतियां आपको रही हैं, कितनी परेशानी आपको आई इस योजना से रिलेटेड, वो चीजें भी आप लिखेंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको क्या क्या दिक्कतें एक योजना के यहां पर आ रही है। फिर उनको मैं पब्लिश करूंगा, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, कम्युनिटी में डालूंगा एक विद्यार्थी को कितनी कितनी जगह पर गुमराह किया गया है। ध्यान रखें इस योजना से रिलेटेड मैं नहीं कहता, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, ये ध्यान रखें, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, अगर चीजें अच्छी होंगी तो मैं सारी चीजें बताने वाला हूं ध्यान रखें, और चीजें बुरी होंगी तो आपके साथ में फिर मैं खड़ा भी होने वाला हूं स्टैंड लेके। ध्यान रखें दूसरी बात करता हूं कि सरकार का बजट कहा गया था कि युवाओं को समर्पित बजट रहेगा, 1,00,000 भर्तियों की घोषणा होगी, लेकिन ये भर्तियां आ रही है क्या? 2,000 पदों पर भर्तियां निकल रही है, 1,00,000 कब होगा भाई वो पद? 50,000 के आपने महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती निकाली, उसमें भी लफड़े हो रहे हैं अभी,
और सफाई कर्मचारी की भर्ती उसका भी विधान है कि कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, उस पर भी कोई कह नहीं सकते। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। किसी का पक्ष और विपक्ष करने से पहले आप यह देख लीजिए कि आपके लिए क्या चीजें सही हो रही है, क्या गलत हो रही है। थोड़े समय पहले एक मूवी भी आई थी, उसमें भी कहा गया था कि उंगली उठाना सीख जाइए, ध्यान रखे किस हिसाब से आपको करना है ध्यान रखे। तो सारी चीजें मैंने बता दी है भैया। इसके अलावा जो कोई भी सुझाव है आपका तो अपना कमेंट में लिख देंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। फ्री लैपटॉप और मोबाइल से, फ्री लैपटॉप और जो टैबलेट योजना है, भविष्य में जब भी नोटिस आएगा इसको लेकर वीडियो मिलेगा। काफी विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाया शायद और नोटिस निकल गया, ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। ध्यान रखें जब भी नोटिस आएगा आपको सारी अवेलेबल होगी जानकारी। ध्यान रखें अगर किसी चीज को लेकर एक बार वीडियो बनाया तो उसको एंड तक मैं सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। या तो मैं चीजें स्किप करता हूं शुरू से ही लेकर, या फिर मैं जो चीजें एक बार डाल देता हूं उसके कंटिन्यू आपके साथ में अपडेट रहेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।